जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बढ़ती हुई उम्र के साथ किसी पुरुष के लिंग में क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में आपसे बात की थी। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किए कि मैम जिस तरह से आपने पुरुष के बारे में बताया इसी तरह से हमें एक फीमेल के बारे में भी बताइए कि उसकी योनि में बढ़ती हुई उम्र के साथ क्या परिवर्तन आते हैं। तो अगर किसी महिला की योनि पर आने वाले परिवर्तनों की बात करें तो ना केवल उसकी वजाइना पर बढ़ती हुई उम्र का असर होता है बल्कि उसकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, उसकी किशोर अवस्था के टाइम पे, उसकी यौन अवस्था के टाइम पे, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, उसके मेनोपॉज के टाइम पर उसकी योनि में डिफरेंट डिफरेंट तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। अगर हम उसकी किशोर अवस्था की बात करें तो कोई लड़की जब प्यूबर्टी को टच करती है तो धीरे धीरे उसकी योनि बड़ी और मोटी होने लगती है। उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं जिसके वजह से उसको हल्का बहुत यौन इच्छा का एहसास होने लग जाता है। हालांकि एक लड़की जिसके शरीर में ये बदलाव आते हैं अंदर ही अंदर वो परेशान भी रहना शुरू हो जाती है, उसका जो स्वभाव है वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। किशोर अवस्था के बाद जैसी वो यौन अवस्था को टच करती है, यौन अवस्था में प्रवेश करती है, तो वो शारीरिक रूप से भी व्यस्क हो जाती है और योनि की जो बाहरी परत होती है जिसे लाबिया मजोरा कहते हैं वो योनि को कंप्लीटली पूरी तरह से ढक लेती है। आमतौर पर ये जो परिवर्तन होता है एक लड़की के शरीर में वो 20 से 22 साल की उम्र के दौरान देखा जाता है। जैसे जैसे एक लड़की की उम्र बढ़ती है उसके प्राइवेट पार्ट के नीचे की जो चर्बी है वो घटने लग जाती है। यौन अवस्था से लेकर मेनोपॉज तक किसी महिला की योनि में अलग अलग तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। आमतौर पर 20 से 30 साल की जो उम्र होती है जिसमें कोई लड़की जवान होकर गर्भ धारण करती है उस दौरान उसकी योनि में जबरदस्त बदलाव आता है। खासकर प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला की योनि में बड़ा बदलाव आता है, उसका जो रंग है वो काला पड़ जाता है और उसका जो योनि का आकार है वो भी फैल जाता है क्योंकि डिलीवरी के दौरान उसके पैल्विक मसल्स में खिंचाव आता है और जो योनि का आकार है वो चौड़ा हो जाता है। उसका जो यूट्रस होता है वो भी तरबूज की शेप का हो जाता है। हालांकि बच्चे होने के बाद ये जो योनि होती है खुद ब खुद सिकुड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे अपनी शेप में आ जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो योनि है वो प्रॉपर शेप में आ ही नहीं पाती। और इसके पीछे देखो बहुत से रीजन होते हैं, लाइक डिलीवरी के बाद पुअर डाइट, खाने पीने का इतना ध्यान ना रखना और हार्मोनल डिसबैलेंस, एक्सरसाइज ना करना। हार्मोनल डिसबैलेंस मतलब जैसे अगर कोई फीमेल उसको अगर हाइपोथायराइड हो जाए तो उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो लटकना शुरू कर देती है, उसकी बॉडी में लटकनपन आ जाता है और अगर बॉडी में वो शारीरिक फैलाव आ रहा है तो उसकी जो योनि है वो भी खुलती चली जाएगी, वो अपनी शेप में आएगी नहीं। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, जंक फूड इन सब चीजों से दूर रहना, वरना जो आपकी जो योनि है वो प्रॉपर शेप में आ ही नहीं पाएगी। मेनोपॉज के दौरान भी एक महिला की योनि में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं। जैसे मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है जिसकी वजह से जो योनि है उसमें लचीलापन कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी पहले की तरह नहीं रहती, जो वजाइना है वो शुष्क हो जाती है, रूखापन उसके अंदर आ जाता है, लुब्रिकेंट जो नेचुरली पहले अवेलेबल हो जाया करता था वो नहीं हो पाता, जिसके वजह से किसी औरत के लिए जो सेक्स है वो आनंद में नहीं रह पाता। तो ये तो थे वो बदलाव जो कि कोई महिला अपने पूरे जीवन काल में बढ़ती हुई उम्र के साथ साइकिल बाय साइकिल फेस करती है। और वो साइकिल क्या होता है, उसका किशोर अवस्था, उसकी यौन अवस्था, उसका प्रेगनेंसी का टाइम और उसका मेनोपॉज का दौर। लेकिन अब जो मैं आपको बदलाव बताने वाली हूँ जो योनि में किसी फीमेल के आते हैं उसका लेना देना बढ़ती हुई उम्र और इस साइकिल से नहीं है। तो जब कोई महिला सेक्सुअली अराउज होती है, उत्तेजित होती है, तो उसका जो वजाइना का रंग है वो गहरा हो जाता है और वहां पे ब्लड फ्लो के बढ़ने के वजह से जो वजाइना है वो फैल कर चौड़ी और लंबी हो जाती है। नाउ दूसरा, बर्थ कंट्रोल पिल से भी जो महिला की योनि होती है उसमें बदलाव आते हैं, क्योंकि ये जो पिल है इसका काम क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है आपकी जो शारीरिक प्रक्रिया है उसमें बदलाव लेकर आना, जो ओवुलेशन का क्रिया होती है मतलब जब एक अंडाशय में से एग रिलीज होता है उसकी क्रिया में बाधा पहुंचाना, नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस में बदलाव लेकर आना, जिसकी वजह से जो वजाइना होती है ये ड्राई हो जाती है और उसमें चिकनाई गायब हो जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी ही होता है,
मतलब क्योंकि आपने पिल खाई है उसका असर रहेगा, तो वो 2-3 दिन तक आपकी जो वजाइना है वो शुष्क हो जाएगी, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो ये तो थे वो सारे परिवर्तन, या इन्हें आप समस्याएं भी कह सकते हैं, जो कोई बढ़ती हुई उम्र के साथ किसी फीमेल को झेलने पड़ते हैं। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि इन सभी का सॉल्यूशन है। विभिन्न प्रकार के उपायों का यूज करके आप अपनी मुश्किलों का समाधान निकाल सकते हो। जैसे नंबर वन, लुब्रिकेंट का यूज करके। अगर आप वजाइनल ड्राइनेस से गुजर रहे हो, आपकी जो वजाइना है वो शुष्क हो चुकी है, रूखा बना चुका है, तो आप लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हो। दूसरा, जितना आप सेक्स करते हो उतना ही आपके लिए सेक्स आसान होता है। ये आपकी वजाइना की टाइटनेस को खत्म कर देता है। अगर आप ज्यादा दिन तक सेक्स नहीं करते हो तो आपकी जो वजाइना है वो कठोर हो जाती है, फिर पेनिट्रेशन में दिक्कत आती है, दर्द होता है। तो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में जरूरत से ज्यादा गैप ना रखें। तीसरा, पानी पीने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। शायद बिजली के बिल से पानी का बिल तो कम ही आता है, तो पानी अपनी बॉडी का पूरा रखें, क्योंकि ये आपको हाइड्रेट रखेगा और आपकी वजाइना में सेंसिटिविटी बनाए रखने में मदद करेगा, ब्लड फ्लो को भी बढ़ाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट, अपने आप को शराब और स्मोकिंग से दूर रखिए, क्योंकि ये आपके शरीर का जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है उसे कम कर देती है। देखा मैंने लड़कियों को रोड पे सिगरेट फूंकते हुए, मैं धुआं उड़ा रही होती है जबरदस्त। अपने आप को आधुनिकता का प्रतीक इसी से तो साबित करती है वो, कि यस हम 21st सेंचुरी की लड़कियां हैं। मतलब अपने जान की खुद ही दुश्मन बनी पड़ी है, पता लग रहा है शादी के बाद बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रखे हैं। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए, इन सबको यूज करके आप अपनी सेक्स लाइफ को लॉन्ग टाइम तक प्लेजरेबल बना सकती हैं। अब जाते जाते एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो कि मुझे इंस्टा पे भी और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हैं कि मैम हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं यूट्यूबर होने से पहले एक वेलनेस कोच हूं, और मैं अपने शरीर की तो वैल्यू जानती ही हूं, साथ ही लोगों के शरीर की कीमत भी पहचानती हूं। तो आप कुछ भी बोलोगे और मैं उठाकर उसकी प्रमोशन कर दूंगी तो ये चीज मेरे बस की नहीं है। अभी तो फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। इन फ्यूचर कभी ऐसा इरादा हुआ तो रिया के मुंह से अगर किसी प्रोडक्ट का नाम निकलेगा, वो तभी निकलेगा जब उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में कोई बात होगी। तो आप टाइम वेस्ट ना करें। तो कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।